सबसे पहले मैं आप सब मीडिया कर्मियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा जो भी कोई इवेंट होता है उसमें आपका साथ होता है। और मैं आप सबको के साथ ही एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं, इसलिए आज आया हूं कि JFFO टिप्स जम्मू फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर जो है वो उसको क्लब करके हम इस बार करने वाले हैं 20 तारीख से, 20 नवंबर से लेके 23 नवंबर के बीच में, जिसका ओपनिंग सेरेमनी है, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हो रही है बागेबो के एक्वाप्लेक्स ग्राउंड में। आप सबको पता ही होगा म्यूजिकल फाउंटेन है जहां पे हम उसकी ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं। और ये पूरा फेस्टिवल जो है वो डेडिकेट हम कर रहे हैं हमारे अपने मुश्ताक काक जी को, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं थे। वो हमारे जूरी हेड भी थे और बहुत साथ रहा था उनका, लेकिन उन्हें हम बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें ही डेडिकेट कर रहे हैं। साथ साथ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू टूरिज्म J&K और डायरेक्टर ऑफ जम्मू का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमें इसमें साथ दे रहे हैं। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा बागे बहु में इसमें कुछ हमारे साथ बॉम्बे से सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, जिसमें प्रवीण जी हैं जिनकी अभी रिसेंटली 25 अक्टूबर को नवरस कथा कोलाज फिल्म रिलीज हुई थी, वो आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल फिल्म रही उनकी, वो जम्मू आ रहे हैं इसको अटेंड करने के लिए, और उनकी फिल्म को भी हम दिखाने जा रहे हैं। 400 के करीब फिल्में आई थी 50 कंट्रीज से, जिसमें 29 कंट्रीज से 77 फिल्में ओवरऑल दिखाई जाएंगी पूरे J&K में। लेकिन सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो रहेगी वो है जम्मू के एक्वाप्लेक्स ग्राउंड में, जो कि टूरिज्म की एक डेस्टिनेशन है, जम्मू टूरिज्म की। बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन है जहाँ वो ऑन स्टेज पानी में स्टेज है, आप सबको पता ही होगा, वहाँ इसकी ग्रैंड ओपनिंग है। और हमने हमारे आर्टिस्टों के लिए, जम्मू के कलाकारों के लिए रेड कार्पेट भी रखा हुआ है। रेड कार्पेट ऑनर 3:30 से लेके 4:30-5 बजे तक होगा, और 5 बजे से इसकी ग्रैंड ओपनिंग होगी। और उसके बाद 21 तारीख को राइटर्स क्लब में, अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में फिल्म स्क्रीन होंगी, और उसी दिन उन जो फिल्म मेकर्स होंगे, जो लोकल फिल्म मेकर्स होंगे, और आपको ये भी बता दूं कि लगभग 13 लोकल फिल्में भी दिखाई जाएंगी 21 तारीख को राइटर्स क्लब में। और उसके बाद 22 तारीख को भी फिल्में दिखाई जाएंगी, लेकिन साथ साथ 22 तारीख को कश्मीर के टाइगर हॉल में भी फिल्में दिखाई जाएंगी, और 23 तारीख को 4 बजे क्लोजिंग सेरेमनी रहेगी टाइगर हॉल में। और जम्मू के यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा जो बाहर से हमारे यूथ होंगे उनके साथ। और मैं आपको बता दूं कि किंग्सी भारती जी भी हमारे मेंबर हैं, वाइस प्रेसिडेंट होमेद भारती कोल जी हैं हमारे मेंबर, सुमन जी भी हैं। और मैं आप सबको ये फिर से एक भरोसा दिलाना चाहूंगा कि इस फिल्म फेस्टिवल से जो टूरिज्म है और जो फिल्म मेकर्स है, दोनों को बूस्ट मिलेगा। जी देखिए, रोहित जी क्या कर रहे ये प्रोसेस लगभग 6 महीने पहले से होता है। इसमें एक फिल्म फ्रीवे पे एक एंट्रीज मंगाई जाती हैं, वो प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारी जूरी होती है, जूरी मेंबर, जिसमें हमारे ईरान से एक जूरी मेंबर है, हमारी है मंजूर अहमद मीर साहब है हमारे जो जूरी मेंबर है, वो फाइनली फिर इन फिल्मों को छांटते हैं। 400 फिल्मों में से सिलेक्ट करके जो 77 फिल्में आई हैं 29 कंट्रीज से, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, शॉर्ट फिल्म भी हैं, और जो लोकल फिल्म्स भी हैं। सबसे बड़ी बात है, एक समय ऐसा था जब ये 2 या 3 फिल्म्स आती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि लगभग 30 के करीब एंट्रीज आई हैं हमारे फिल्म मेकर्स की, और उसमें से 13 फिल्में तो सिर्फ जम्मू की हैं जिन्हें दिखाया जाएगा। और कश्मीर की अगर हम बात करें, आप सबको पता ही होगा कि 2 रीजनल फिल्म्स अभी रिलीज हुई हैं वहाँ पे, उन्हें भी हम ऑनर कर रहे हैं। हम हमारा मकसद यही है, राकेश रोशन भट्ट जो हमारे फेस्टिवल डायरेक्टर हैं मुंबई से हैं, उनका भी यही एक मानना है, उनका विजन ये है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का सिनेमा है, जो यूथ है, वो आगे जाए। जी जी ठीक है।